नमस्कार दोस्तों, अन्नपूर्णा रसोई चैनल पर मैं एकता आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ एकदम बाजार जैसी किशमिश। हाँ फ्रेंड, एकदम बाजार जैसी किशमिश हम घर में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए तो फिर हम बनाना स्टार्ट करते हैं। बाजार जैसी किशमिश बनाने के लिए मैंने 1 किलो अंगूर लिए हैं, जिन्हें मैंने अच्छे से धोकर साफ़ कर लिए हैं। अंगूर लेते वक्त आप अंगूर को ज़रूर चख लें कि ये मीठे तो है ना। आप जैसे किशमिश बनाना चाहते हैं छोटी बड़ी, उसी हिसाब से अंगूर ले सकते हैं। तो मैंने मीडियम साइज़ के अंगूर लिए हैं, ना तो ज़्यादा बड़े हैं और ना ही ज़्यादा छोटे। तो जैसे आपको किशमिश बनानी हो उसी हिसाब से अंगूर ले, और सभी अंगूर हम तोड़कर एक प्लेट में निकाल लेंगे। पर चख लें ताकि अंगूर मीठे हों, अगर फीके होंगे तो किशमिश भी फीकी बनेगी। तो मैंने ये कुछ अंगूर तोड़ लिए हैं और अब हम इडली स्टैंड लेंगे, इसके अंदर थोड़े थोड़े अंगूर डाल देंगे। अक्सर लोग उबाल के किशमिश को बनाते हैं फ्रेंड, पर उबालने से अंगूरों में पानी भर जाता है और किशमिश जो है वो अच्छी नहीं बनती है। तो आपको इस तरह से अंगूर लगाने हैं, ऊपर नीचे नहीं लगाने हैं, सभी अंगूर सांचे के टच होने चाहिए। तो ऊपर नीचे ना रखें, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, इस तरह से हम अंगूर लगाकर सभी सांचे तैयार कर लेंगे। ऊपर नीचे हमें नहीं रखने हैं, हर अंगूर के सांचा जो है टच होना चाहिए। सभी सांचे हम इसी तरह तैयार कर लेंगे। तो देखिए, मैंने सभी सांचे तैयार कर लिए हैं। पानी उबालना मैंने रख दिया था, मैंने 1.5 गिलास पानी लिया है, पानी उबल गया है। एक एक सांचा हम इडली स्टैंड के अंदर लगा देंगे। और ऊपर से कवर कर देंगे। घड़ी देखकर 3 मिनट तक आप इसे स्टीम करें। तो देखिए फ्रेंड, 3 मिनट हो चुके हैं और अब हम चेक कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं अंगूरों का कलर जो है थोड़ा चेंज हो गया है, अंगूर जो है थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं। और अब हम इन सभी को निकाल लेंगे। तो अब मैंने एक थाली ली है, उसके अंदर एक सूती कपड़ा लगा दिया है। आपको मैं अंगूर दिखाती हूँ कि कितना पानी अंगूरों में से निकला है। तो देखिए, ये पानी अंगूरों में से निकल गया है, जितना एक्स्ट्रा पानी था सारा निकल गया है। और अब हम एक एक अंगूर थाली के अंदर लगा देंगे। आपको तो पता ही है फ्रेंड, मैं ऊपर नहीं जा सकती हूँ, इसलिए मैं इनको छाया में ही सुखाऊंगी। 3 से 4 दिन लगेंगे। आप धूप में सुखाओगे तो 3 दिन में ये अच्छे से सूख कर तैयार हो जाएंगी। तो देखिए, मैंने सभी लगा ली है। कमरे में थोड़ी सी धूप आती है, मैं उसी के अंदर इनको सुखाऊंगी। अब बचे हुए अंगूर को भी हम इसी तरह स्टीम कर लेंगे। तो देखिए, बचे हुए अंगूर भी हमारे मैंने स्टीम कर लिए हैं, और देखिए इनका कलर भी चेंज हो गया है, अंगूरों में से काफ़ी पानी निकल गया है। तो गैस को हम बंद कर देंगे, इन ट्रे को भी हम बाहर निकाल लेंगे और इन्हें हल्का सा ठंडा कर लेंगे। और इन्हें भी हम कपड़े पर लगा देंगे। तो देखिए, इस तरह से हम सारे अंगूर लगा देंगे, पर थोड़ा गैप करके लगाएं, ऊपर नीचे ना रखें। अगर ऊपर नीचे रखेंगे तो ये सूख नहीं पाएंगे, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, सभी अंगूर मैंने लगा दिए हैं, और कमरे में थोड़ी थोड़ी धूप आती है फ्रेंड, मैंने वहीं इनको रखा है। तो ये आज की ही वीडियो है, और इनको हम सूखने देंगे। तो देखिए फ्रेंड, ये 3रे दिन की वीडियो है, ये अच्छे से सूख गई हैं। मैंने इनको धूप में रखवा दिया था, कमरे में ही धूप आती है थोड़ी बहुत, उसी पे ही रखवा दिया था। और ये हमारी 4थे दिन की है, तो ये अच्छे से सूख गई। तो फ्रेंड, इन सभी किशमिश को हम एक बाउल में निकाल लेंगे। 4 दिन के अंदर आप घर में बहुत ही टेस्टी सी किशमिश बनाकर तैयार कर सकते हैं और साल भर तक यूज़ कर सकते हैं। तो घर में किशमिश बनाना कितना आसान है ये तो आपने देख ही लिया है फ्रेंड। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अन्नपूर्णा रसोई चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ज़रूर दबाएं मेरे आने वाली वीडियो को देखने के लिए। मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम को भी ज़रूर फॉलो करें। फिर मिलेंगे एक नई और आसान रेसिपी के साथ। वीडियो को कीमती समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद।